यदि आप कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन तो पीएसबी को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर और जनरल नॉलेज पर वीडियो पेश किए जाते हैं। और हाँ, यदि आप पाना चाहते हैं यहाँ पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको हिमाचल अलाइड सर्विस के बारे में बताएंगे, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। और हाँ, उसके बारे में ये भी बताएंगे कि आप कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे अप्लाई करें, क्या लास्ट डेट है, क्या एग्जामिनेशन फीस है, सभी तरह की जानकारी। सो दोस्तों, यदि आप हमसे और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं या और अधिक कोई भी स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है हिमाचल स्टडी सेंटर के नाम से, और व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है। हम आपको नंबर या लिंक प्रोवाइड कराते हैं, नंबर है 9805223162, और ग्रुप का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जानते हैं ये जानकारी विस्तार से। तो दोस्तों, जानते हैं हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट अलाइड सर्विस के बारे में, कितनी पोस्ट हैं, क्या डेट है, क्या सिलेबस रहता है, कैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, यदि आप पहली बार अलाइड देने वाले हैं और आप इसके बारे में थोड़ा सा डाउट हो कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, तो आप इसका क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें 200 के 200 प्रश्न सॉल्व करके अपलोड किए हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर पूरा अपलोड किया है, ठीक है, लेकिन सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 18 दिसंबर को, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमने सेट की वेबसाइट भी देखी तो लास्ट डेट से एक दो दिन पहले बड़ी चरमरा रही थी उस वेबसाइट की स्थिति। इसलिए थोड़ा जल्दी से आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार रह जाता है, फिर अंतिम तिथि के लिए अगर रह जाते हैं आप तो फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। जो ये एग्जामिनेशन सेंटर है तो वो है आपके शिमला, मंडी, सुंदरनगर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन, ऊना, नाहन, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर एंड चंबा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर्टिकुलर स्टेशन, हाउएवर द अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है, बाकी इतना ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो तो सब एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा। जब एग्जामिनेशन भी आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो उस समय भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम जानते हैं इसमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो ये सीटें हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में आपकी 6 सीटें हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर की। तो इसका ये रेगुलर बेसिस है, ठीक है। तो इसमें एक ही मतलब एक ही पद ऐसा है जिसमें रेगुलर बेसिस है, 6 सीटें, ठीक है। बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, वो तो चलता है। अब सारी पोस्ट है तो ज़्यादातर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस में निकलती हैं, लेकिन अब देख लीजिए सेकंड पोस्ट है फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर ऑफिसर्स, इसमें इंस्पेक्टर ग्रेड की है, 2 सीटें हैं। तो आप देख लीजिए सैलरी कितनी है, उतना ज़्यादा हम सैलरी में ध्यान नहीं देते। तो कॉपरेशन में है आपका इंस्पेक्टर ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 64 सीटें है, सबसे ज़्यादा सीटें इसी में ही है। सो आप इसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, इस तरह का अपना माइंडसेट बनाइए, क्योंकि आप अलाइड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अलाइड थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, सब चीज़ें पढ़नी होती हैं, हर तरह की इस घटनाओं पर ध्यान देना होता है, ठीक है। बाकी इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं विदेश में जाने की ज़रूरत है, विदेश में जाने से मेरा मतलब है दिल्ली या कहीं इलाहाबाद चंडीगढ़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा कोई स्टडी मटेरियल नहीं है जो दिल्ली में ही मिलेगा, लेकिन गांव में भी मिल जाता है अगर कोई ढूंढने वाला हो, ठीक है। घर बैठे बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इंडस्ट्री में एक्सटेंशन ऑफिसर की 7 सीटें हैं, ये भी देख लीजिए। और इलेक्शन कानून को होता है उनकी 7 सीटें हैं, जनरल की 2 ही है, ठीक है। तो आपने ये पोस्ट देख ली है तो अप्लाई कर सकते हैं आप hppsc.gov.in की वेबसाइट में जाकर। सो अब आते हैं जो इसकी क्वालिफिकेशन है और एज है, तो 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच के सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप वहाँ पे जब अप्लाई करेंगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्वालिफिकेशन आपको नॉर्मली पता है कि ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा। सो ग्रेजुएट यदि आपका कंप्लीट है तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई अपियरिंग नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि यदि आप ग्रेजुएट हो गए हों तो अप्लाई करें। सो अगर आप ग्रेजुएट भी नहीं हो रखे हों तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप आने वाले अगले सालों में आप भी अलाइड के एग्जामिनेशन देंगे यदि आप एस्पायरेंट्स हैं इन चीज़ों के। सो इसलिए जान लेना हर चीज़ें ज़रूरी होता है, ठीक है। ये कैटेगरी के क्लेम्स है, ये आप देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ये चीज़ें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो आते हैं इसके एग्जामिनेशन फीस में। सो एग्जामिनेशन फीस है जनरल कैटेगरी की है 400 रुपये, और जनरल बीपीएल की है 100 रुपये, और ST SC जो भी अदर कैटेगरीज होती है उनकी 100 रुपये है, और जो एक्स सर्विस मैन है HP के, सो जो भी होते हैं एक्स सर्विस मैन में जो भी आते हैं उनको कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। और पेमेंट है ई पेमेंट के द्वारा, आप चलान के द्वारा भी कर सकते हैं। ई पेमेंट बड़ा ईजी होता है यार, आप कार्ड आपके पास डेबिट कार्ड होगा, कुछ लोगों को
ऐसा नहीं है कि आपको आता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता है क्योंकि वो करते नहीं है ना यार। हर बार साइबर कैफे जाते हैं, साइबर कैफे में भीड़ लगाई हुई है यार। खुद अप्लाई करो, आपके पास अच्छा खासा स्मार्टफोन है, उसमें अप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो यदि कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी तरह का, तो आप टोल फ्री नंबर पर जा सकते हैं, ये PSC का कोई टोल फ्री नंबर है, ठीक है। तो बातें हैं आगे, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा जान लेनी ज़रूरी नहीं, लेकिन विस्तार से यदि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको मैं इस एडवर्टाइजमेंट का PDF आपको WhatsApp के जरिए प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप PSC की वेबसाइट में भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको वहाँ पे कोई असुविधा महसूस होती है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसका PDF। सो स्कीम जानते हैं एग्जामिनेशन की। तो इसमें दोस्तों एक प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। सो प्री में पहले जो प्री में नंबर 200 नंबर का पेपर होता था, उसके नंबर भी मेंस के लिए काउंटेबल होते थे, लेकिन अब जो पैटर्न नया चेंज किया है उसमें मेंस के लिए ये नंबर काउंट नहीं होंगे। प्री के 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा, क्या क्या आएगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके बाद जो मेंस होगा, मेंस के लिए सिर्फ 20 टाइम्स ऑफ सीट, मतलब जितनी ये सीटें हैं 86 सीटें हैं, तो उसका 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड करेंगे, ठीक है, वही लोग। और जो इसका एक बात नहीं है कि इस बार माइनस मार्किंग होगा 0.25 का अलाइड में, जो पहले नहीं होता था। तो अब आते हैं प्री के सिलेबस में। तो 60 नंबर का दोस्तों हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश का जो भी है सब चीज़ 60 नंबर का आएगा। और दूसरा जो है सबसे मेन है वो है करंट अफेयर्स का मेजर रोल है सिलेक्शन में। 60 नंबर का है पूरा का पूरा, 60 नंबर का करंट अफेयर्स आने वाला है, ठीक है, ये हो गया 120। और 80 नंबर का आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, कई तरह के मतलब ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट साइंस, साइंस, मतलब सब चीज़ें। महात्मा गांधी एक्स्ट्रा होता है, अलाइड में अलग से यूनिट बनती है महात्मा गांधी जी की, क्योंकि यहाँ से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप बोर मत होइएगा क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, इसलिए देख लेना जरूरी होता है। अब आप सोचेंगे मैं अपने चैनल का प्रचार कर रहा हूँ, दोस्तों मैं यदि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, यदि आपको अच्छी लगेगी तो आप ही प्रचार करेंगे। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं मेंस में है इंग्लिश, 150 नंबर का है, 3 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। और जो है पेपर सेकंड, ये है हिंदी का, 150 नंबर का है, 3 घंटे का, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। और जो तीसरा पेपर है जनरल नॉलेज का 200 नंबर का, ये भी दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। जैसे आप स्कूल में जब देखते थे ना कि शॉर्ट आंसर, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सेम उसी तरह के प्रश्न आते हैं इसमें, ठीक है। जो मेंस का जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर होता है ना, इसी तरह का। हाँ, यदि आप इसका क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में आ जाइए, या फिर फेसबुक ग्रुप में, हिमाचल स्टडी सेंटर के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे मैं आपको इसका वो प्रोवाइड करा दूंगा जो मेंस का क्वेश्चन पेपर है। और ये ठीक है। और इसमें एक चीज़ और, मेंस में 35% लाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, रिटन टेस्ट 40%, ठीक है, टोटल है 40% और 35% ईच पेपर, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। तो ये है पैरामीटर ऑफ एवोल्यूशन, ये कैटेगरी के हिसाब से है, इसको आप एडवर्टाइजमेंट में ढंग से देख लीजिएगा, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जानकारी हो गई है कंप्लीट। यदि आपको कोई जानकारी इसमें कम रह गई हो, मतलब कोई चीज़ आप अच्छे से नहीं समझ पाए हो, तो आप हमारे WhatsApp के जरिए हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं। हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में WhatsApp ग्रुप, Facebook ग्रुप और वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। सो आप, मैं नहीं बताऊंगा, चैनल तो आपको करना ही पड़ेगा सब्सक्राइब। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब वाला, लेकिन ये ज़रूरी है कि यदि आपको ना पुराना क्वेश्चन पेपर, जो अलाइड के पुराने प्री के क्वेश्चन पेपर है ना, ये 200 मार्क्स के, ये मेरे पास पड़े हुए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा, ऐसा नहीं है, मेरे पास मैं सॉल्व करके ही अपलोड करूंगा, आप देख सकते हैं यदि आप बोलेंगे तो। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है तभी मैं अपलोड करूंगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, तो जुड़े रहिए PSD के साथ।